क्या कहते हैं कि खातम यानी मोहर का असर और नक्श किस चीज में होता है जिस पे मखतूम मोहर में। लगती है। तो खातम नबीयीन का क्या तर्जमा बना, जिस वजूद पे नबियों की मोहर लगेगी उसमें नबियों का नक्श पैदा नक्श होगा। पैदा होगा। कहते हैं ऐसे मौसूफ बिज़ात का असर मौसूफ बिल अर्ज में होता है, यानी ये मौसूफ बिज़ात और मौसूफ बिल अर्ज की वो इस्तिलाह कहां से अखज कर रहे हैं, खातम नबीयीन के लफ्ज़ से अखज कर रहे हैं कि रसूल पाक जैसे नक्श मोहर के अंदर अपना असली होता है, लेकिन जिस चीज पे लगती है उस पे जो नक्श बनता है वो उस मोहर के फैज के नतीजे में होता है। अगर उस पे मोहर नहीं लगेगी उस पे उसका नक्श पैदा नहीं होगा। तो ये मजमून बयान फरमा रहे हैं कि असली नबूवत जाती तौर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, बाकी अंबिया को आपकी मोहर लगने के नतीजे में उनके अंदर नबूवत के नक्श पैदा हुए। कहते हैं हासिल मतलब आयत करीमा इस सूरत में यह होगा कि उबूवत मारूफा, उबूवत कहते हैं बाप होना, उबूवत मारूफा कि जिस्मानी तौर पर बाप होने का वसफ तो रसूलुल्लाह सल्लम को किसी मर्द की निस्बत हासिल नहीं। ठीक है, यह तर्जमा है इस जुमले का मा काना मोहम्मद उन अबा अहादे मेरे जाले को, ठीक कि जिस्मानी तौर पर बाप होने का वसफ आपको किसी मर्द की निस्बत हासिल नहीं। कहते हैं पर यह लफज लाकिन का तर्जमा है, वला के रसूल अल्लाह है, पर उबूवत मानवी उम्मतियों के निस्बत भी हासिल है और अंबिया के निस्बत भी हासिल है, लेकिन रूहानी तौर पर आप उम्मतियों के भी बाप हैं और रूहानी तौर पर आप नबियों के भी बाप हैं। ये कहते हैं ये है खातम नबीयीन का तर्जमा। तो अगर आप नबियों के बाप हैं और आपका कोई बेटा रूहानी नबी बनना ही नहीं, आप नबियों के बाप कैसे हुए? ये तो फिर ऐसा दावा होगा जिस पे मुखालिफीन इस्लाम हंसी उड़ाएंगे कि भाई ये तुम कैसी तशरीह कर रहे हो कि ये कहते हो कि हमारा नबी नबियों का बाप है। और अगर सवाल करे अच्छा आपके नबी की उम्मत में से कौन सा इंसान नबी बना, कह जी कोई नहीं बना और ना बनेगा, तो फिर नबियों का बाप कैसे हुआ? कह जी वो जो पहले आए थे ना वो हमारे नबी के रूहानी बेटे थे। ये तो एक दावा है ना। तो फरमाया अंबिया की निस्बत तो फकत खातम नबीयीन शाहिद है। कहते हैं अंबिया का बाप होने की क्या दलील है? खातम नबीयीन का लफ्ज। अंबिया की निस्बत तो फकत खातम नबीयीन शाहिद है क्योंकि औसाफ मौरूज मौसूफ बिल अर्ज मौसूफ बिज़ात के फरा होते हैं। बड़ा मंतिकी फिक्रा है फलसफे का। मतलब यह है कि जिन वजूदों को किसी और वजूद की तासीर से औसाफ मिलते हैं वो उसकी शाख होते हैं, और असल कौन होता है? वो जो असली होता है। मौसूफ बिज़ात औसाफ अर्जिया की असल होता है और वो उसकी नस्ल। जिसको जाती तौर पर जो वसफ हासिल होता है वो असल है, जड़ है, और जिनको उसके फैज से वो औसाफ नबूवत मिलते हैं वो उसकी नस्ल है। और जाहिर है कि वालिद को वालिद और औलाद को औलाद इसी लिहाज से कहते हैं कि ये उससे पैदा होते हैं, वो फाइल होता है, चुनांचे वालिद का इसमें फाइल होना इस पर शाहिद है और ये मफूल होते हैं, चुनांचे औलाद को मौलूद कहना इसकी दलील है। सो जब जाते बाबरकात मोहम्मदी सल्लम मौसूफ बिज़ात बिन नबूवत हुई, अंबिया बाकी मौसूफ बिल अर्ज कि जाती तौर पर असली तौर पर साहिब नबूवत कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद। बाकी तमाम अंबिया कौन है? आपके फैज से नबूवत पाने वाले। कहते हैं तो ये बात अब साबित हो गई कि आप मानवी बाप हैं और अंबिया बाकी आपके हक में बमंजला औलाद मानवी और उम्मतियों के निस्बत। लफ्ज रसूलुल्लाह में गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह का क्या मानना है? आप रूहानी तौर पे उम्मतियों के बाप हैं। खातम नबीयीन का क्या मानना है? आप रूहानी तौर पे नबियों के बाप। इसी देवबंदी फिरका के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हुए हैं
मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी, उनका ये तर्जमा है। वो आयत खातमन नबीयीन की तशरी में लिखते हैं, बाज मुहक्किकीन के नजदीक, ये बाज कौन है? बानिय देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, उनका नाम नहीं ले रहे, कहते हैं बाज मुहक्किकीन के नजदीक तो अंबियाए साबिकीन अपने अपने अहद में भी खातमुल अंबिया सल्लम की रूहानियत उज़्मा ही से मुस्तफीद होते थे। जैसे रात को चांद और सितारे सूरज के नूर से मुस्तफीद होते हैं, हालांकि सूरज उस वक्त दिखाई नहीं देता, और जिस तरह रोशनी के तमाम मरातिब आलम असबाब में आफ्ताब पर खत्म हो जाते हैं, इसी तरह नबुवत और रिसालत के तमाम मरातिब व कमालात का सिलसिला भी रूहे मुहम्मदी सल्लम पर खत्म होता है। यानी जिस तरह सूरज चांद और सितारों सब में अफसलियत रखता है जी, इसी तरह खातम नबीयीन तमाम अंबिया में अफसलियत रखते हैं। आगे लिखते हैं, बदी लिहाज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आप रुतबी और जमानी हर हैसियत से खातम नबीयीन हैं, और जिनको नबूवत मिली है आप ही की मोहर लगकर मिली है। भाई अगर इससे क्या पता लगा कि खातमा नबीयीन की मोहर क्या करती थी? नबी बनाती थी जी। क्योंकि 1,24,000 अंबिया के बारे में क्या फरमाते हैं, जिनको नबूवत मिली है आप ही की मोहर लगकर मिली है। अगर पहले इस मोहर ने 1,24,000 अंबिया पैदा कर दिए उन पर लगने के नतीजे में, तो जब ये दुनिया में जाहिर हो गई अब जिस पर लगेगी उसको भी नबी बनाएगी, उसमें भी नबियों के नक्श पैदा करेगी। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत खातमन नबीयीन के नुजूल के नतीजे में इस आयत का कामिल इरफान पाने के नतीजे में अपनी उम्मत को बशारत दी कि मेरे बाद मेरे दीन की खिदमत के लिए मेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए मसीह नबीउल्लाह आएगा। ब्रांचे एक और हदीस में आप फरमाते हैं, वो उम्मत कैसे हलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं और आखिरी हिस्से में मसीह मौत होगा। कितनी अजीम शान हमें बशारत दी कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत को हलाकत से बचाने का जरिया, मेरी उम्मत को मेरे दीन को जिंदगी अता करने का जरिया कौन होगा? मसीह मौत का वजूद। तो अगर आप ये समझते कि मेरे बाद खिदमत इस्लाम के लिए किसी नबी के आने की जरूरत ही नहीं है, तो आप अपनी उम्मत को कभी भी मसीह नबीउल्लाह के आने की बशारत ना दें। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा। मोहतरम कालू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज इस प्रोग्राम में मोहतरम मौलाना साहब ने आयत खातमुन्नबीयीन के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है, और जितने मफाहीम बयान किए जाते हैं और जो तराजम किए जाते हैं खातमुन्नबीयीन के, उस पर मंतक के लिहाज से और अक्ल के लिहाज से और बाज ठोस हवाला जात की रोशनी में गुफ्तगू की है। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आइंदा हम इस मौजू पर मज़ीद प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।